नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना में भी लोगों ने इस कानून के विरोध में प्रदर्शन किए। पटना के कारगिल चौक पर रविवार को कई घंटों तक प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया। प्रदर्शन कर रही भीड़ ने इस दौरान पुलिस और पत्रकारों को निशाना बनाया। भीड़ ने दो पुलिस पोस्ट फूंक दिए, साथ ही कई वाहनों में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। इस पथराव में पटना के टाउन डीएसपी सुरेश कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी कई राउंड फायरिंग हुई। रात 8 बजे के बाद ये मामला काबू में आया। पटना से न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।